हेलो एवरीवन, कसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो ट्रिक किसी एटम के शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे उससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल फीलिंग दिलाना चाहता हूँ, रीज़न बिहाइंड दैट कि एटम बहुत छोटा है, हमें नहीं दिखता है तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर उसी को बिग स्केल पे सोचें, जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होगा, जिस चीज़ को हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं और उससे समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए रफ़ी सर ने वो कोशिश किया है कि आप क्या समझें, एटम को आप माने कि वो हमारे लिए क्या बिल्डिंग है। तो देखो, माइंड में ऑलरेडी एक इम्पैक्ट बन जाता है। बिल्डिंग बोलते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि उसमें फ्लोर होंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, राइट। तो इस तरीके से हम उसको रिलेट करेंगे। तो जिस तरीके से एटम में सारी चीज़ें हैं, वैसे ही ठीक बिल्डिंग में, चूँकि एटम हमें दिखेगा नहीं, बिल्डिंग दिख जाएगा तो हम बिल्डिंग से थिंक करते हैं। तो बिल्डिंग में क्या होता है, फ्लोर होता है, राइट। तो अगर बिल्डिंग में फ्लोर होता है तो एटम में उसी को क्या बोलेंगे, शेल या ऑर्बिट। क्लियर है पॉइंट। फिर बिल्डिंग में क्या होता है, फ्लोर पे टाइप्स ऑफ फ्लोर होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, राइट। तो टाइप्स ऑफ फ्लोर को या टाइप्स ऑफ रूम को हम क्या बोलेंगे, सब शेल। क्लियर है पॉइंट। वैसे ही जब टाइप्स ऑफ फ्लोर होंगे, डैट मीन्स टाइप्स ऑफ रूम्स होंगे, राइट, 1 BHK, 2 BHK, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रूम्स होंगे। लाइक 1 BHK बोला तो एक माइंड में आ जाता है कि एक बेडरूम होगा और एक हॉल होगा, राइट। तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो है हमारा वो एक्चुअली रूम्स है बिल्डिंग का, और रूम्स में कौन रहते हैं, पर्सन रहता है। तो पर्सन जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये कनेक्शन एकदम प्रैक्टिकल फीलिंग आनी चाहिए, बात क्लियर है। नाउ एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि रूल क्या है कि जितना फ्लोर नंबर होगा उतने ही टाइप्स के रूम होंगे। डैट मीन्स जितना आपका शेल या ऑर्बिट नंबर है उस फ्लोर पे, उस शेल में उतने ही टाइप्स के सबसेल होंगे। जैसे मान लो कोई 5th फ्लोर पे है, 5वें फ्लोर पे अगर कोई है तो उसमें सबसेल कितने टाइप होंगे, 5 टाइप के। जितना फ्लोर नंबर उतने ही टाइप के सबसेल, जितना फ्लोर नंबर उतने ही टाइप्स के रूम। ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। उसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया, देखो फ्लोर नंबर 1, राइट, इस पे 1 है तो 1 टाइप्स के रूम होना चाहिए, डेट इज एस सबसेल होता है। फ्लोर नंबर 2, तो यहाँ पे 2 टाइप के होना चाहिए, तो एस पी, एक बार एस स्टार्ट हो गया तो फिर ऊपर के सारे फ्लोर पे मिलेगा, एक बार पी स्टार्ट हो गया तो ऊपर के सारे फ्लोर पे मिलेगा, नीचे पे नहीं मिलेगा। इसलिए 2P होता है लेकिन 2D नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे 3 सबसेल नहीं होंगे, राइट। वैसे अगर मैं 3rd फ्लोर पे जाऊँ तो 3 आया तो 3 टाइप्स के रूम होना चाहिए, तो एक एस, एक पी, एक डी, इस तरीके से आपको जाना है। वैसे 4th फ्लोर पे अगर कोई है तो वहाँ पे 4 टाइप्स के रूम है, एस पी डी एफ। अगर वो 5th फ्लोर पे होता तो 5 टाइप के रूम होते हैं, एस पी डी एफ जी एंड सो ऑन। तो बात समझ गए, जितना फ्लोर नंबर आपको दिखेगा, जितना सेल नंबर होगा उतने ही सबसेल होंगे। ये पॉइंट को क्लियर रखना है, राइट। नाउ हमारी बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है, ऐसा आपको मानना है कि हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, राइट। और अगर लिफ्ट नहीं है और जो आपका पर्सन है, राइट, डेट इज इलेक्ट्रॉन, वो रूम रेंट पे लेने आया है, तो किस टाइप से रूम भरेगा आप ही सोचो। पहले जो भी पर्सन आएगा वो 1st फ्लोर पे रूम लेना चाहेगा, क्यों, ताकि कम से कम एनर्जी उसको अपना देना पड़े, राइट, क्योंकि ज़्यादा फ्लोर पे जाएगा तो चढ़ के जाना पड़ेगा, स्टेप्स बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हर कोई दुनिया में क्या चाहता है कि कम से कम एनर्जी में वो रहे, डैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहे, राइट। तो अगर हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, कोई पर्सन अगर रेंट पे रहने आया हो तो सबसे पहले वो 1st फ्लोर को चूज़ करेगा, अगर ये भर गया तो 2nd फ्लोर को, ये भी भर गया तो फिर 3rd फ्लोर को, राइट। जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से भरेंगे। तो डैट इज कॉल्ड ऑफ बाओ प्रिंसिपल, जिसको मैं प्यार से बोलूँगा भावु प्रिंसिपल। तो भाव का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में आपको फिलअप करना है, और डैट्स क्या है वो, तो वेरी सिंपल कि 1st सेल से ज़्यादा एनर्जी 2nd सेल, और सेल बोले तो फ्लोर, तो ऑब्वियस सी बात है 1st फ्लोर से ज़्यादा एनर्जी हमें चढ़ने में किस में लगेगा, 2nd फ्लोर पे, 2nd से ज़्यादा 3rd, 3rd से ज़्यादा 4th एंड सो ऑन। ये ऑफ भाव का कहना था, ख़त्म। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, कि सर अगर मान लो कि 2s है, 2p है, तो अब इसमें किस में पहले फिलअप करें,
तो ध्यान दें, ये जब सिर्फ सेल होगा तो ये प्रिंसिपल लगाना है। शेल के साथ अगर सब शेल भी हो, जैसे ये टू टू शेल को बता रहा है और एसपी सब शेल को, तो फिर हमें एन प्लस एल रूल लगाना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल है, एन प्लस एल रूल का मतलब एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजोमिथल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम करना आपको। अगर इन दोनों का सम जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। अगर कहीं पे n प्लस एल का सम सेम हो जा रहा है तो फिर जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। मैं दोनों एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे तो ध्यान से देखो, इसका अगर मैं n प्लस एन निकालूँ तो 2 प्लस जीरो होगा, और इसका 2 प्लस वन, तो ये 2 प्लस वन, ये 3, ये ज़्यादा हो गया, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसमें ये होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे जाएंगे फिर इसमें भरे जाएंगे। मान लो कहीं पे ऐसा आता है 4s3d। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो n प्लस एल रूल, क्यों, क्योंकि s और d सबशेल लगे हुए हैं, तो n प्लस एल में ये 4 प्लस जीरो होगा और ये 3 प्लस 2 हो जाएंगे, तो ये 5 हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो ये एनर्जी वाइज ज़्यादा होगा। डैट मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तब इसमें भरा जाएगा, समझ गए बात। कहीं पर अगर n प्लस एल सेम हो जाता है, लाइक आप ऐसे सोचो कि 4s है, राइट, और 3p है, तो इन दोनों में, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो 4s में क्या होगा, 4 प्लस जीरो, राइट, और यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस वन, तो दोनों का 4 हो गया। तो जब n प्लस एल सेम हो जाएगा फिर उस केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे, जिसका n ज़्यादा होगा, n किसका ज़्यादा है, इसका, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए पहले 3p में इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर 4s में। तो आई होप इस एग्जांपल से क्लियर होगा, और इससे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा अपने को सिर्फ प्रिंसिपल और एजिमिथल क्वांटम नंबर देखना है, बाकी कोई नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब जो ये सबशेल हैं पी या आपके डी सबशेल, राइट, जिसमें रूम्स आपको मालूम है कि पी सबसेल में 3 रूम्स हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल में 5 रूम्स हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए आया हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका क्या कहना था कि जब भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो पहले सिंगल सिंगल, तो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन भरना है P1 अगर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप अप में भी रख सकते हो स्पिन, या डाउन में भी चलेगा P1 में। जब P2 करना होगा तो अब आपको इसमें भरना होगा, इसी में नहीं भर सकते, पहले सिंगल सिंगल भरना है, राइट। अब इसमें भी भर सकते थे दूसरे वाले को, इसमें भी, डेट इज ओके फाइन, और लेकिन स्पिन जो होना चाहिए वो सेम रखना है। मैक्सिमम वर्ड इसलिए लगाया गया कि सबसे ज़्यादा वो सेम स्पिन होना चाहिए। P3 अगर होगा तो आपको फिर यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो P3 का इस तरफ से भरना आपको, राइट। तीनों देखो सेम स्पिन में, या तो तीनों को अप में रखो या तीनों को डाउन में भी आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते 2 अप 1 डाउन, ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का यही मतलब है, राइट। अब जब चौथा आएगा तो पेयरिंग करना है। चौथा इनमें से किसी में भी जा सकता है, बट द थिंग इज कि इसका स्पिन अगर अप है तो उसका डाउन होना चाहिए। फिर पाँचवा उसके डाउन में आना चाहिए और छठा उसके डाउन में। इस टाइप से आपको भरना है। सिमिलरली अगर डी में बात करें तो पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा फिर ऐसे, तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, राइट। सिंगल सिंगल पहले भर देना, फिर जब छठा आएगा तो अभी कहीं भी भर सकते हैं, बट डाउन स्पिन, अगर आप रखोगे तो डाउन, डाउन रखोगे तो आप, बस ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम को पहले हमें सेम स्पिन में करना है। डैट इज कॉल्ड हंट्स रूल। नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, डैट्स वेरी सिंपल। इसका कहना है कि किसी भी एटम या आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसका चारों क्वांटम नंबर सेम हो। ध्यान रहे, ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है किसी भी एटम या आयन में। मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है, 3 सेम हो सकता है। इस पॉइंट को भी एक से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी एटम लेता हूँ, मान लो मैं सोडियम लिया, राइट, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन का आप क्या लिखोगे, NLMS, राइट। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि ये 11 के 11% या ये 11 के 11 इलेक्ट्रॉन का ये चारों वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, राइट, इस टाइप से। तो हम एक किसी एक को चेक कर लेते हैं, मान लो ये 1s2 वाले, तो 1s2 का मतलब क्या हो गया, N1, एस है तो L0, M0, अगर ये प्लस हाफ होगा तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, माइनस हाफ। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है लेकिन चौथा डिफरेंट हो गया। तो इस रूल का बस यही कहना था कि किसी भी एटम को आप उठा लो, 120 एलिमेंट है आपके पास, राइट,
किसी भी एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा या आयंस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का ये जो चार नंबर है ये डिफरेंट होगा। कोई भी चारों का चारों नंबर मैच नहीं हो सकता है, मैक्सिमम तीन मैच कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा हमारा ट्रिक कि आप किसी एटम के शेल में, सब सेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। आपको प्रैक्टिकल फीलिंग दिला दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ ट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो वेरी सिंपल है, सबसे पहले आपको मालूम है कि एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, जिसमें हर एक ऑर्बिटल में, हर एक रूम में दो ही लोग रह सकते हैं। इसलिए एस सब सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, दो। इसमें दो ही लोग रह सकते हैं, दो से ज़्यादा फिलअप नहीं कर सकते, राइट। यूनो पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल हैं, तीन घर हैं, हर एक घर में दो लोग, तो टोटल कितने लोग आ सकते हैं इसमें, सिक्स। तो P सब सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, सिक्स। P में सिक्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, P7, P8 ये नहीं हो सकता, राइट। मैक्सिमम P6 हो सकता है, P5 हो सकते हैं, P4, P3 वो हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली D सब सेल में पांच घर होते हैं, पांच ऑर्बिटल हैं, और हर एक घर में दो ही लोग, तो कितने टोटल, 10। तो D की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा, 10। वैसे ही F सब सेल में सेवन घर होते हैं और हर घर में दो लोग, तो कितने हो गए, 14। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी क्लियर होना चाहिए। नाउ वो ट्रिक जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, आप कैसे इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे। कुछ बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, कुछ बुक में अलग तरीके से ट्रिक होता है, बट मेरा जो ट्रिक रहेगा बेटा वो वेरी यूनिक और बहुत इजी। क्या करना आपको, ध्यान से देखो, 1 से लेकर के 8 तक लिख देना। देखो ये तो वेरी सिंपल है, 1s 2s 3s एंड सो ऑन हमने लिख दिया। उसके बाद 2 छोड़ करके फिर 2 से स्टार्ट करना है। 2 से क्यों, क्योंकि यू नो सेकेंड फ्लोर पे एस होगा और पी होगा, इसलिए 2p, राइट। तो 2 छोड़ करके फिर 2p 3p 4p एंड सो ऑन कर देना है। फिर वैसे ही 2 छोड़ करके, राइट, 2 रो छोड़ करके फिर से आपका यू नो थर्ड फ्लोर पे एस होगा, पी होगा, डी भी होगा, तो 3d एंड सो ऑन। फिर नीचे फिर तो लिखते जाना है 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर 2 छोड़ करके ध्यान से देखो, 2 रोज हमने गैप कर दिया और फिर 4f, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे f भी आ जाएगा, राइट। तो ये स्टेप से लिख देना। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर रोज का n प्लस l सेम किया है। जैसे देखो 1s में तो n प्लस l 1 ही हो गया, इस वाले में 2s में 2 प्लस 0 2 हो गया, इस वाले में देखो 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर रोज में हमने n प्लस l को सेम कर दिया। अब आपको कैसे याद रखना, वेरी सिंपल, ऑलवेज देखो बेटा ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, राइट। तो ऑलवेज आपको राइट से लेफ्ट जाना है। तो देखो राइट से लेफ्ट मैं जब जा रहा हूँ तो ये रोज पे मुझे क्या मिलेगा, 1s, तो इसलिए पहले 1s, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की। उसके बाद ये रोज ख़त्म हो गया तो फिर से आपको राइट से लेफ्ट जाना है, ये नहीं कि इधर से आ जाएंगे, इधर से ही जाना, ऑलवेज ऑलवेज राइट से आपको लेफ्ट जाना, ये ध्यान रहे, राइट। तो फिर कौन मिला, 2s, इसलिए कौन आ जाएंगे एनर्जी वाइज, 2s। फिर उसके बाद ये रोज खत्म हो गया, फिर इस रोज में जाएंगे तो ऑलवेज राइट से आपको लेफ्ट जाना है, तो कौन मिला पहले, 2p, तो 2p आ जाएंगे। फिर कौन मिला, 3s, तो फिर 3s आ जाएंगे। फिर वो रोज खत्म हो गया तो फिर इस पे आ जाओ, राइट, ऑलवेज राइट से लेफ्ट जाना है, तो कौन मिला, 3p, तो 3p आ जाएगा। फिर कौन मिला, 4s, तो 4s आ जाएंगे, राइट, वेरी सिंपल है। फिर इस रोज पे आ जाओ आप, राइट, तो राइट से लेफ्ट जाना है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 3d, तो फिर आपका कौन आ जाएगा, 3d। फिर 4p, तो फिर 4p, फिर 5s, तो फिर 5s, तो वेरी सिंपल है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये ऑर्डर को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमने सिंपल ट्रिक दिया है, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा एक और ट्रिक दे रखा है n प्लस l वैल्यू से, जैसे प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, यहाँ पे 4s एंड 3d में। तो 4s में n प्लस l आपको मालूम है 4 प्लस 0 है, जबकि 3d में 3 प्लस 2 5, तो उसका ज़्यादा हो गया, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो वेरी सिंपल है, आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। नाउ किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर आपको दे देगा। 11 का मतलब कि 11 पर्सन हो गए जिसको आपको रूम रेंट पे देना है, उसको उसके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो पहले सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में, कितने s में मैक्सिमम, 2, राइट। अभी भी कितने लोग को भरना है, 9 लोग को, क्योंकि 2 ही अभी ऑक्यूपाई हुआ, राइट, टोटल 11 पर्सन है। फिर 2s में, फिर मैक्सिमम उसमें कितना जा सकता है, 2 ही, एस का फिक्स है, तो 2, तो अभी टोटल आपने 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिया, राइट, अभी भी 7% बाकी हैं, तो और आगे जाओ। फिर 2p आता है, 2p में कितना मैक्सिमम, 6, राइट, तो 10 लोग हो गए। और फिर उसके बाद 3s, चूँकि हमें 11% बढ़ना है तो इसमें फिर एक ही रहेगा। दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी, राइट। लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि फाइनली बचा कितना, तो ये हो गया आपका सोडियम का।
वैसे मान लो मुझे निकेल 28 का लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 राइट, उसके बाद फिर 3s2, यहाँ तक 12 हो गए, फिर 3p6 18 हो गए राइट, उसके बाद 4s2 तो 20 हो गया, फिर 3d 20 हो गया और हमें 28 ही करना है। d में वैसे मैक्सिमम 10 जा सकता है लेकिन अभी 8 ही लोग बचे तो यहाँ दे देना, लास्ट में जितना बचेगा वो उसमें चला जाएगा राइट। सिमिलरली इसको एक कंडेंस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डैट मीन्स इसका नियरेस्ट नोबल गैस, जैसे सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन हो गया, नियॉन, और नियॉन तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती, तो आप कैसे लिख सकते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ne कर करके ऐसे, और लास्ट वाला जो बच जाएगा वो तो 3s1। सिमिलरली अगर मुझे इसका लिखना हो तो ये ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर मुझे निकेल का लिखना होता तो कैसे लिखते, आर्गन नियरेस्ट नोबल गैस, डैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, बाकी जो बचा वो लिख देना 4s2 3d8। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्म, तो ऐसे भी दिया जा सकता है राइट। तो यहीं से हमें एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि देखो जो अल्कली मेटल होंगे फर्स्ट ग्रुप वाले, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1, डैट मीन्स फर्स्ट पीरियड का होगा तो 1s1, सेकंड पीरियड का होगा तो 2s1, थर्ड पीरियड होगा तो 3s1 एंड सो ऑन। सिमिलरली सेकंड ग्रुप वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले ns2 हो जाएंगे राइट, वेरी सिंपल, वेयर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पीरियड नंबर को। 13 ग्रुप वाले p ब्लॉक वाले में, 13 ग्रुप वाले में s में 2, ns में और उसी np में 1 राइट। जैसे एल्युमिनियम का लिखना होता है तो क्या जाता है 3s2 3p1, तो देखो s के आगे जितना आ रहा p के आगे भी, बट s में 2 होंगे और p में आप फिलअप होते जाएंगे, तो p में 1 होगा तो 13, p में 2 हुआ तो 14, कैसे, क्योंकि s में 2 ऑलरेडी हैं ही, तो 2 2 4 और 4 का 14 का 4 ले लेना है। 10 एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि यू नो बीच में d आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे राइट। सिमिलरली 15 का होगा तो देखो 2 और 3 5 राइट, तो S में 2 P में 3, 16 का 6 है तो 2 और 4 6, ऐसे भी आप कर सकते हो, जितना S के आगे नंबर होगा उतना ही P के, 17 का ns2 np5 और 18 का ns2 np6। सिमिलरली D वाले का कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी D एंड F ब्लॉक में हमने इसका पूरा ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बता रखा हूँ। जैसे यहाँ पे ये कि S में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और जितना S के आगे नंबर होगा उससे एक कम D के आगे नंबर होगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 4s होगा तो यहाँ पे 3d होगा, यहाँ पे 5s होगा तो यहाँ पे 4d होगा, और d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे राइट, क्योंकि d की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 10। वैसे ही f का भरना होगा तो s में 2 फिक्स हैं राइट, जितना s के आगे नंबर होगा उससे एक कम d होगा और उससे 2 कम f होंगे, डैट मीन्स अगर मान लो n की वैल्यू 6 है, 6s है, तो ये 5d रहेगा और ये 4f रहेंगे, ये कहने का मतलब है। और D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और F में 1 से 14 बढ़ जाएंगे, इसका पूरा हम डिटेल डिस्कशन D एंड F में कर रखें। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आपको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकालना, S से, जो आउटर मोस्ट होगा S सबसेल से पहले निकालना राइट। जब S से निकल जाएगा तो फिर आपको D या P से निकालना होगा, या D से निकल जाएगा तब आपको F से निकालना होगा, तो ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे पहले आपको लास्ट शेल, और लास्ट शेल में भी किससे पहले, S से निकालना है, S से जब निकल जाएगा तो फिर D से फिर F से, इसलिए हमने आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो भी D एंड F में बता रखा आपको। नाउ अप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप से आपको N, L और M और S की भी वैल्यू दे सकता है एनर्जी ऑर्डर। तो देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आपको सिर्फ किससे मतलब है, N और L वैल्यू से, N प्लस L इसका निकालो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 0, डैट इज 3 राइट, इसका कितना हो जाएगा 4 प्लस 0, डैट इज 4, इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, डैट इज 4, इसका कितना जाएगा 3 प्लस 2, डैट इज 5। आपको बता रखा हूँ जिसका n प्लस l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन है 5 वाले, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी d के रहेगा। फिर ये दोनों का सेम हो गया, तो जब n प्लस l सेम हो जाए तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा राइट, तो फिर b होंगे, फिर c होगा, फिर लास्ट में ये हो गया एनर्जी ऑर्डर। इस टाइप के कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत की जरूरत नहीं, डायरेक्ट n प्लस l जोड़ो, जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, n प्लस l सेम हो जाएगा तो जिसका फिर n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ध्यान दें मैग्नेटिक m वाला, ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn प्लस आयन, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन 18 राइट,
4s2 20 डायरेक्ट लिखा हूँ मैं, और 3d 10 30 राइट। आउटर अभी बताया था आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आयन से तो पहले s से, तो s से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d10, ये है आउटर मोस्ट क्योंकि ये फोर सेल में। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s है, तो s के लिए l की वैल्यू 0, और l की वैल्यू अगर 0 तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जर्मेनियम है 32 एटॉमिक नंबर, एक्स कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है विथ m0, तो एक्स क्या होगा, कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो डेफिनेटली किस किस में हो सकता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 हो गया, 4s2 20 3d10 30, और 4p1 that is 32। तो आप ध्यान से देखो, इसमें हो जाएगा कम्प्लीटली फील्ड है और m0, इसमें भी हो जाएंगे राइट, s कम्प्लीटली फील्ड है और m0 हो जाएगा, p में एक ऐसा होगा क्योंकि वी नो p में तीन घर होते हैं, एक -1 0 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी, तो इसमें भी एक ऑर्बिटल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें और इसमें भी एक होगा राइट, क्योंकि d में भी एक 0 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 7 ऐसे और ऑर्बिटल हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसका m 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एजीमिथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम प्लस, तो राइट एटॉमिक नंबर गिवन है 31, तो अभी आपको बताया आर्गन 18, 4s2 20 हो गया, 3d10 30 हो गया राइट, और 4p1 31 प्लस है, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना राइट, आउटर मोस्ट कौन हो गया फोर्थ वाले, और sp में p की ज़्यादा एनर्जी है तो पहले इससे निकाल देना है, तो गैलियम प्लस हो जाएगा, तो आर्गन 4s2 3d10, ध्यान रहे पहले आपको आउटर मोस्ट से निकालना है, वैसे आपको पता रखा हूँ ये 13 ग्रुप का है, तो ns2 np1 ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले यहाँ से निकलेंगे फिर s से निकलेंगे फिर d से निकलते राइट, तो ये हो गया। अब गैलियम प्लस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, लास्ट शेल वाला s, और इसके लिए किसकी एजीमिथल, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस टाइप से आपको फंसाया जाएगा, तो ध्यान से देखना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0, क्यों, क्योंकि एजीमिथल क्वांटम नंबर चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के लास्ट शेल कौन है फोर्थ, क्योंकि थर्ड तो इनर वाला शेल हो गया राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पीरियड ऑर्बिटल डेट आर फील्ड, 6 पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल, तो ध्यान से देखो 6 पीरियड में जो भी होंगे ऑर्बिटल फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है 5f वाले तो नहीं हो सकते राइट, क्यों, क्योंकि 5f वाले किस में, 7th पीरियड में आते हैं राइट, और वो फील होते हैं, और ये 6f तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये सब ऑप्शन आपका गया, तो ये हो सकते हैं क्योंकि 6 पीरियड में 4f आएंगे राइट, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे आपको कि इसका एनर्जी ऑर्डर बताओ, तो वही सेम पॉइंट n प्लस n निकालो क्विकली, 6+0 है ये, 6+1 है, 4+3 है, 5+2 है राइट, तो ये 6 हो गया आपको, ये आपका 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है राइट, तो सबसे कम n प्लस l ये है, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भले जाएंगे डेट मीन्स इसकी एनर्जी कम होगी, तो 6s से ज़्यादा एनर्जी, अब जब n प्लस l सेम हो जाए तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा राइट, तो इसका मतलब जिसका n कम उसकी एनर्जी कम होगी राइट, तो 6s के बाद किस में भरेंगे, 4f में, 4f के बाद आप किस में भरेंगे, 5d में, 5d के बाद आप किस में भरेंगे, 6s में, तो ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा कि इस टाइप से आपको भरना है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर अगर ये वर्ड आ रहा है डी जेनरेट ऑर्बिटल, डैट मीन्स वैसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम होगी उसको बोलते हैं, और आप कैसे पहचानेंगे, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर n और l सेम होगा, बट m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये 3p है, तो वी नो की p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीन रूम, तो ये जो है वो डी जनरेट है क्योंकि इनकी इनकी और इनकी एनर्जी सेम है, तो आप ध्यान से देखो, तो n3 l1 तीन ऑर्बिटल का वो सेम रहेगा, बट m की वैल्यू अगर इसका -1 है तो इसका 0, इसलिए डिफरेंट होना पड़ेगा राइट, तो इसलिए मैंने लिखा है कि डिफरेंट m होगा, तो आपको कैसे देगा n3 l1 राइट और m0, n3 l1 m-1, तो क्या ये डी जनरेट ऑर्बिटल है, यस, क्यों, क्योंकि दोनों 3p को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये वाला होगा तो एक ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल। ध्यान रहे एन प्लस एल सेम होना चाहिए, एम डिफरेंट होना चाहिए, राइट। वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिया तो ये 4d का होगा, तो n प्लस एल तो सेम हो जाएगा उसका, n और l, बट m डिफरेंट होना चाहिए, तो ये सब जो है वो डीजनरेट ऑर्बिटल। एंड दूसरा डैट इज इंपॉर्टेंट कि कहीं पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करें तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है रूट अंडर ऑफ n इंटू एन प्लस 2, वेयर वाट इज n, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे अनपेयर्ड, जो सिंगल सिंगल भरे जाते हैं, अनपेयर्ड बोले तो जैसे मान लीजिए कि ये d है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अनपेयर्ड है, राइट। अगर मान लीजिए ऐसे भरा हुआ है तो 4 अनपेयर्ड है, ऐसे हैं तो फिर 3 अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल वाले को हम बोल रहे हैं अनपेयर्ड, राइट। तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग गया कि 4 है, तो वैल्यू ऐसा नहीं कि इसमें पुट करके आप निकालेंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन दे करके टिक कर सकते हैं 4.89। डैट मीन्स कहने का मतलब कि 5 के क्लोज में होगा वो आंसर, राइट। इसलिए इंटीजर टाइप में पूछे तो 4 मत भर देना, 5 भरना, एक ये पॉइंट है। और ऑलवेज आपको 5 के क्लोज लेके जाना अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो जैसे 3 है तो 4 के क्लोज होगा, 3.79 समथिंग एक्स्ट्रा, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें म्यू दे दे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगेन इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, म्यू जो भी गिवन होगा तो डेसिमल से पहले जो इंटीजर होगा वही अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपका बताएगा। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब आप क्वांटम नंबर्स आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू।